शादी भी हमने करवा दी 1 लाख रुपए मुझे हेल्प किया सलमान खान ने, कोर्ट से सलमान भाई को आजाद कर दे। अपील करते हैं कोर्ट से सलमान भाई को आजाद कर दे। तो मैंने एक टाइम पे बोला सलमान भाई को कि इनकी बहन की शादी है, भाई कुछ हेल्प करवा दो। तो सलमान भाई ने एक निकाल के जेब से 50,000 रुपए इसको हेल्प किया। आप क्या कहना चाहेंगे सलमान से कुछ? नहीं सलमान भाई को मैं तो अल्लाह से यही दुआ मांगूंगा सलमान भाई को जल्द से जल्द आजाद किया जाए। हम जैसे अब गरीबों की सबकी मदद करने में अल्लाह आसान करे। मैं तो एक ही बात बोलूँगा, मेरा नाम हैदर खान है और मेरे को एक ही आदमी जो मैं बम्बई में जब नया नया आया था ना, वो एक ही आदमी था जो हम जैसे लोग की रहने को छत दिया है और खाने को खाना दिया है, पैसा दिया है, शूटिंग लाइन में लगाने के लिए हमारा वो एक ही फरिश्ते का बंदा था और बाकी के लोग हमारे कोई मदद नहीं कर सकते थे। अब वो इंसान को कोर्ट ने फाइनल 5 साल की सजा सुनाई है तो हमारी वजह से सलमान भाई कैसे हमारा क्या होगा, हमारी वजह से हम लोग को सोने का ठिकाना नहीं मिलेगा। और सलमान भाई हमारे को इतना सब कुछ करे जो गरीबों की मदद करे। हाँ मानता हूँ वो जानबूझ के एक्सीडेंट करे नहीं करे हम तो जानते नहीं है, बाकी का सलमान भाई को सजा नहीं मिलना चाहिए। सलमान खान ने पूरा मुझे हेल्प किया था, मुझे काम धंधा दिलाया था इंडस्ट्री में एंड मेरे को रहने को छत दिया, खाना दिया एंड मुझे पूरा डिफेंस से पूरा काम धंधा दिलाए देते हो, मेरा खर्चा भी उठा देते घर में का एंड मेरी शादी भी हमने करवा दी 1 लाख रुपए मुझे हेल्प किया सलमान खान ने। मेरे पूरे सलमान भाई मेरे घर में का पूरा खर्चा उठाते थे, मेरी बीबी पेट गए पेट से मुझे जो मेरे को बच्चा होने वाला था तो मेरे सलमान भाई ने वादा किया था कि बोले मैं डिलीवरी का खर्चा उठाऊँगा पूरा ये करूँगा। अभी सलमान भाई जेल में चले गए इस फैसला सुना दिया। अभी मेरी बीबी को इसके लिए मैं गांव भेजने वाला हूँ कि मेरा खर्चा कौन उठाने वाला है, सलमान भाई ने तो कौन बाकी कौन सहारा देने वाला है, कौन मेरे को ये खाना पीना देने वाला है, कौन रहने के लिए देने वाला है मुझे के काम करो। मेरा पैरों को ऑपरेशन भी वही करवाने वाले थे, मुझे डॉक्टर से बात भी करवाया, एक्सरे भी करवाया, अभी वही नहीं तो कौन करेगा मेरा यार। हम दोनों अपील करते हैं कोर्ट से सलमान भाई को आज़ाद कर दे हम जैसे गरीबों की।